संसद में सेंध लगाने वाले आरोपी सागर शर्मा की मिली सीक्रेट डायरी, अब खुलेंगे सारे राज। सागर की डायरी में क्यों लिखा गया घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड ललित झा ने किया सरेंडर। जान लीजिए इस मामले की सच्चाई। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर से पुलिस को एक सीक्रेट डायरी मिली है। इस डायरी से कई रहस्य खुलने की आशंका जताई जा रही है। डायरी में सागर ने लिखा है, सागर ने डायरी में आगे लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की याद भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा, हर पल उम्मीद लगाई है। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है, एक दिन ऐसा आएगा। अब मैं अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर व्यक्ति वो होता है जो सुख त्यागने की क्षमता रखता हो। दरअसल 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी और इसी दिन दोपहर करीब 1 बजे दो युवकों ने संसद में घुसपैठ की थी। दोनों युवक विजिटर गैली यानी दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए और ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच भागने लगे। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी और इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद यहाँ वहाँ भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इसे पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इनकी पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी मैसूर के रूप में हुई है। लोकसभा के अंदर जब दो लोग कूदे तभी संसद के बाहर पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया। दोनों कलस्तरों से कलर गैस छिड़काव कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। दोनों की पहचान अनमोल लातूर और नीलम हिसार के रूप में हुई है। इसके अलावा एक और अन्य आरोपी भी संसद के बाहर मौजूद था, उसका नाम है ललित। ललित ने संसद के बाहर प्रदर्शन का वीडियो बनाया और उसके पास सभी आरोपियों का मोबाइल था। इसके बाद ललित फरार हो गया था, वो दिल्ली से राजस्थान भाग गया था। पुलिस ने बताया कि सदन के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। ये सभी सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी प्लानिंग के तहत की गई थी। ललित झा इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने इस पूरे मामले में सागर, मनोरंजन, अमोल, नीलम को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ललित जब सरेंडर करने पहुंचा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ललित के साथ एक अन्य आरोपी महेश भी गिरफ्तार किया गया है। ललित जब दिल्ली से राजस्थान भागा तब महेश ने होटल दिलवाने में मदद की थी। इसके अलावा महेश भी पूरी साजिश में शामिल था, हालांकि वो दिल्ली नहीं आ सका था।